हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। काफी आप लोगों का काफी कमेंट आया कि सर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक बनाइए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर बनाइए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर बनाऊंगा। बट देखिए, मैं जो भी डिसाइड करता हूँ, जो भी लेक्चर देता हूँ, कंप्लीट लेक्चर देता हूँ। ओके, तो जो हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इसका टोटल 5 लेक्चर्स आएगा आपको। ओके, ये डिस्कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये लाइफ टाइम के लिए फिनिश हो जाएगा। अगर आप मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू 5 वीडियोस आप देखेंगे, तो आपको इससे क्या होगा, आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइफ टाइम के लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, ये 9th 10th CBSE वालों को रहता है। यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, 9th 10th में CBSE वालों को भी रहता है। एनी स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड है, इफ दे आर कोई भी स्टेट बोर्ड होगा, तो उनको भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, लाइक आप CA CMA CS MBA, उसमें भी यू मस्ट नो अबाउट दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, यस, तो आज का जो हमारा है, यहाँ पे मैंने लिखा है, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 1 है। इसी तरह लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 लेक्चर्स आएंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस, मीनिंग ऑफ ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फिर इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नीड क्या है, फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। ओके, और मैं आप लोगों को कीवर्ड बना के दूंगा। ओके, जो मैं कीवर्ड दे दूंगा आप लोग को, उतना ही वो कीवर्ड से क्या होगा, जैसे एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है व्हाट इज प्लानिंग, सपोज यहाँ पे आ जाएगा व्हाट इज प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो मैं आप लोगों को कीवर्ड दे दूंगा, उस कीवर्ड से क्या हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंस ऐड हो जाया करेंगे। ओके, सेम फीचर्स का भी। ओके, तो मैंने बहुत मेहनत से वो कीवर्ड्स बनाए हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन भी बनाया हुआ है सबका, मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, सबका कीवर्ड, सबके इंपॉर्टेंस और फीचर्स, नीड, फंक्शन सब आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। हमारे टॉपिक की ओर, ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट लिख दिया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के, और आप लोग देखेंगे तो मैं आप लोग को स्क्रीन पे नीचे एक टेक्स्ट भी आता होगा, ओके, कितने तरह के फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को किसने डिफाइन किया, तो वो सब आपको नीचे टेक्स्ट में दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पूरा लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, नोटबुक और पेन लेके बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, ओके, बाद उसके बाद फिर वीडियो देखिए, फिर पॉज कीजिए, फिर लिखिए। इससे क्या होगा, आपका जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये मोस्टली किसी भी एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। ओके, तो आपका ये रेडी हो जाएगा, 12 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएगा। बस कंटिन्यू आप मेरे जो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का 5 सीरीज चलेगा, 5 लेक्चर्स आएंगे, वो कंटिन्यू देख लीजिए। ज़्यादा टाइम का लेक्चर नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, ये इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा, 5 के 5 लेक्चर इंटरेस्टिंग रहेगा, कुछ ना कुछ आपको मिलने ही वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए टॉपिक देखते हैं। ओके, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ओके फ्रेंड्स, देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहला होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। अब ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाहर करने का और एक तरीका है, जैसे आप लोगों का एग्जाम कब होता है, फेब्रुअरी और मार्च। ओके, तो फेब्रुअरी मार्च में जब हमारा बोर्ड का एग्जाम रहता है, तो आपको हमको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, तो पहली बार तो प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने दिनों में कौन सा सब्जेक्ट फिनिश करना है, कितने आवर्स तक मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब डिसाइड करना पड़ता है। तो प्लान करना पहला क्या हो जाता है फ्रेंड्स, प्लानिंग। ओके, तो पहले आप प्लानिंग करते हैं, अगर मैंने प्लानिंग कर ली, यस, मैं 1 महीने तक ये टाइम टेबल फॉलो करूंगा, तो उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए मुझे कुछ स्टडी मटेरियल भी चाहिए, तो स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना, उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, कलेक्टिंग द रिसोर्सेज, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। ओके, यस, अभी ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, इसका जो मीनिंग है, डेफिनेशन से वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, यस, आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ओके, यस, ओके, उसके बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या, जैसे अभी एग्जाम आ रहा है, तो पहले मैंने प्लानिंग किया कि मुझे कैसे 1 मंथ में अपने सिलेबस को कवर करना है, कैसे पढ़ना है, उसके बाद मैंने स्टडी मटेरियल क्या किए,
स्टडी मटेरियल मुझे ऑर्गेनाइज करना है, स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने दोस्तों को कॉल करूंगा कि भाई तुम लोग कौन से टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो, कौन से ऑथर को फॉलो कर रहे हो, कहां से आप लोग पढ़ रहे हो। तो उसको बोलते हैं स्टाफिंग करना। स्टाफिंग करने के बाद, स्टाफिंग करना मतलब लोगों की हेल्प लेना। तो स्टाफ, स्टाफ समझता है ना, जैसे हमारे कॉलेजेस में स्टाफ से टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जैसे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में स्टाफ्स होते, उसी तरह हमारे फ्रेंड सर्कल क्या हो गए, हमारे स्टाफ हो गए। टीचर्स क्या हो गए, स्टाफ में आ गए, स्टाफिंग कर रहे हैं हम, उनसे जान रहे कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। ओके यस, तो स्टाफ हमने क्या किया, प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइज मतलब स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज करने लगे, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने लगे, फिर उनसे स्टाफिंग किया कि तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो, हमको भी बताओ, हम भी वैसे करेंगे। तो उन्होंने हमको डायरेक्शन देना शुरू कर दिया। स्टाफिंग में फ्रेंड्स आ सकते हैं, टीचर्स आ सकते हैं। तो उन्होंने हमको डायरेक्शन दिया, यानी दिशा दिखाया कैसे क्या करना है, किस टाइम पे करना है, कौन से ऑथर को, कौन से टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। उसके बाद अभी यहाँ पे स्टाफिंग में टीचर्स आ गए, हमारे फ्रेंड्स आ गए। ओके, उन्होंने डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन देना, ये सब जो लिंक हो के क्या बना, कोऑर्डिनेटिंग। इसका मतलब देयर इज अ कोऑर्डिनेट है, हम लोग में एक कनेक्शन है, लिंक है बिटवीन अस, हम दोस्तों में और टीचर्स में, हम सब में एक लिंक है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है हमको। ओके, तो ये भी होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो हमने अपनी स्टडी को एक मैनेज किया, स्टडी को मैनेज किया ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। उसके बाद जो हमने प्लानिंग बनाई है उसको कंट्रोल करके रखना। प्लानिंग बनाया है कि 10 to 12 मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, तो 2 hours मुझे अकाउंट्स को देना है और मुझे सेलफोन नहीं यूज करना है। तो उस जो मैंने प्लानिंग बनाई उस 2 hours में आई हैव टू डू अकाउंट्स। ओके, अकाउंट्स पढ़ना है और उस समय मुझे सेलफोन नहीं यूज करना, तो उस पर कंट्रोलिंग करना। ओके, तो प्लान जो बनाया उस प्लान पे कंट्रोल रहना चाहिए अपना। तो ये देर आर 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अभी जो लुथर ग्लिक ने बनाया हुआ है, इन्होंने लुथर ग्लिक ने लिखा हुआ है, ही हैज गिवन अ वर्ड, इन्होंने एक शॉर्ट में एक वर्ड दे दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लुथर ग्लिक ने एक डेफिनेशन दिया है, ही हैज गिवन अ वर्ड पोस्ट कॉर्ब। क्या दिया इन्होंने, पोस्ट कॉर्ब, इन्होंने एक वर्ड दिया है। तो ये पोस्ट कॉर्ब क्या है, ये इजी वे है, एक इजी वर्ड है टू बाय हार्ट टू मेमोराइज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके यस, तो जहां पे उन्होंने लिखा ही हैज गिवन अ वर्ड पोस्ट कॉर्ब, वेयर मतलब जहां पर पी स्टैंड फॉर द फुल फॉर्म ऑफ पी, वी आर टॉकिंग अबाउट पी फॉर प्लानिंग। ओके, पी से प्लानिंग, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग आता है, लेकिन ये कीवर्ड में एडजस्ट नहीं हुआ है। आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग, लेकिन आप लोग को सिर्फ इतना ही पढ़ना है, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग जो होता है ना वो आपको टीवाई बीकॉम में आएगा। ओके, एचआरएम सब्जेक्ट होगा, उसमें पढ़ना रहेगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। किसने कीवर्ड बनाया, ये कीवर्ड आप लोग याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, कोई प्रोफेशनल एग्जाम हो गया, उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पोस्ट कॉर्ब इज अ कीवर्ड प्रिपेयर्ड बाय द लुथर ग्लिक ने इस वर्ड्स को लिखा हुआ है, इस कीवर्ड को बनाया, किसने, लुथर ग्लिक। ओके यस फ्रेंड्स, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप वेट करते रहिए, मेरा सेकेंड लेक्चर जल्दी ही आ जाएगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, और मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग को अगर ये लेक्चर की ज़रूरत है तो देखिए, नहीं ज़रूरत हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी को बहुत ही ज़रूरत हो, उसे समझ में आ जाए, उसे अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ओके फ्रेंड्स।